शादियों में रिश्तेदारों को बुलाने के साथ साथ अब विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में शादी की रस्म अदा करने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही एक शादी बागेश्वर में चर्चा का विषय बनी रही, जिसमें आधा दर्जन से अधिक विदेशी मेहमानों ने शादी में न केवल शिरकत की बल्कि पहाड़ी गानों में जमकर डांस भी किया। यहाँ बता दें कि बागेश्वर निवासी जोशीमठ की उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी की छोटी बहन रीतिका जोशी की चंडिका बैंकट हॉल में शादी का समारोह आयोजित किया गया था। मेरी सिस्टर रीतिका की मैरिज है आज। मेरी सिस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में रिसर्च एसोसिएट है, तो उसके साथ के सभी लोग जो डिपार्टमेंट के एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सभी इस मैरिज में आए हुए हैं और वो बहुत एक्साइटेड हैं। उन्होंने सारे कुमाऊनी गानों में डांस भी सीखा है, हर दिन के लिए उन्होंने ड्रेस भी डिसाइड किया है। इससे जो हमारी सिटी है छोटी सी बागेश्वर, उसका भी जो है सबको पता चलता है कि वहाँ पर कितना कल्चर है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे कुमाऊनी कल्चर को, सॉन्ग्स को, फूड को इंटरनेशनली भी पहचान मिले, और इसलिए हमने सबको इनवाइट भी किया था और बहुत अच्छी बात है कि सब लोग आए भी हैं। आपको बहुत बधाई है। थैंक यू। रीतिका जोशी कुमाऊं विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा रही हैं तथा उन्होंने कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं। वर्तमान में वह रिसर्च एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं। उनके शादी समारोह में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लोगों के लिए कौतूहल व चर्चा का विषय बना रहा। इधर चंडिका बैंकट हॉल की शानदार सजावट और बड़ी स्क्रीन में डिस्प्ले भी काफी चर्चा का विषय बना रहा। शादी में पहुंचे मेहमानों ने विदेशी मेहमानों के साथ न केवल डांस किया बल्कि उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। विदेशी मेहमान भी शादी समारोह में शामिल होकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड के शादी कल्चर व हिंदुस्तान के कल्चर की काफी सराहना की तथा रीतिका जोशी को शुभकामनाएं भी दी। Indian culture is so colorful and full of community. I mean, look at this party. There's so many people here and the entire community is out here to celebrate our friend. And we really love to see that because she's really important to us. So we're so glad to see that she's so well taken care of at home. Sure, it's so colorful and so beautiful. We love to be here and thank you so much for welcoming us. And we can't wait to celebrate the rest of the wedding with Retika, her family and her friends. So thank you so much. We are with Retika because she's a solar physicist in Norway. She's a really good scientific. So as we work together, she invited us to the wedding and we are very grateful with her. She's an excellent person and an excellent friend also. She's very positive. She always brings a lot of energy to the group. She spread the Indian culture in a way. She's a very must-have person to have. So yeah, she's very lovely. We like her very much. I know Retika and it's really a wonderful wedding. We have not such way in Europe. I come from Paris and really here I enjoy a lot with so many people together, dancing, singing, so eating. So I think it's wonderful to have together so many people. Thank you, India. CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर। झूलो सांगा झूलो टैक्सी में।